नमस्कार, मैं संजना। मेरे चैनल घर की अंगेठी में आपका स्वागत है। आज मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल छोले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा बनता है, आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करिएगा। ये मैंने छोले लिए हुए हैं, ये 2 कप छोले हैं। इसको मैंने 8 से 9 घंटा भिगा के रखा हुआ है। और एक मीडियम साइज का टमाटर है, एक मीडियम साइज का प्याज है, इसको हम काट लेंगे। खड़े मसाले हैं, 1 तेज़पत्ता है, 1-2 इंच टुकड़ा दालचीनी है, 4-5 काली मिर्च है, 4 लौंग है, 1 मोटी इलायची है काली वाली, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून चाय पत्ती है, 1/4 टीस्पून हींग है, 1/4 टीस्पून तीखी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 2 टेबल स्पून देसी घी है, नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर है, 1.5 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 2 इंच का टुकड़ा लंबा अदरक है, इसको मैंने लंबे पीसेस में काट लिए हैं, और 2 हरी मिर्च हैं, इसको मैंने बीच में से कट लगा लिया है। तो सबसे पहले हम चाय पत्ती को 1.5 कप पानी में बॉईल करेंगे। ये देखें, मैंने 1.5 कप पानी ले लिया है और इसमें चाय पत्ती डाल के इसको बॉईल करेंगे हम। चाय पत्ती को मैंने बॉईल होने के रख दिया है। और अब हम चने को भी बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए, चने को मैंने कुकर में डाल लिया है और इसमें अब मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालूँगी, देखिए, और नमक इसमें थोड़ा सा डालूँगी, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अभी हम उबलते हुए हमें इसमें थोड़े ही नमक डालना है, और चाय का पानी हम जब उबल जाएगा तो उसको इसमें छान लेंगे, फिर इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे। ये देखिए, चाय पत्ती उबल गया है, अब मैं इसको गैस बंद करके कुकर में छान लूँगी। देखिए, इसका सारा पानी हम इसमें छान लेंगे, चाय पत्ती वाला, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। और हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, चना डूबने तक का ही पानी डालना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब इसे हम ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी लगाएंगे। 4-5 सीटी के बाद हम फिर इसको एक बारी चेक कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कुकर में 6 सीटी लगाया है और छोले बहुत अच्छे से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गले हुए हैं ये छोले, ये देखिए। और अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं छोले के लिए। ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है, और तेल गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं ये खड़े मसाले डाल रही हूँ इसमें। आप जिस तेल में सब्जी पकाते हैं आप वो तेल ले सकते हैं। और अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, ये मसाले फूल गए हैं। आप जब तेल गरम करते हैं, तेल जब अच्छा गरम हो जाता है, आप खड़े मसाले जब भी उसमें डालते हैं, जब तेल गरम होगा तभी आपके ये मसाले, जो आप खड़े मसाले डालेंगे, वो अच्छे से फूल जाते हैं। और अब हमें प्याज को हल्का ब्राउन करना है, फिर उसके बाद में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी इसमें। ये देखिए, प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको हमें हल्का सा भून के फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। ये देखिए, अदरक लहसुन भी भून चुका है, अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को मैंने कद्दूकस किया है। देखिए, मैंने टमाटर डाल दिया और अब मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। सारे मसालों को मैंने इकट्ठा कर लिया था। और अब हमें मसाला तब तक भूनना है जब तक इसमें तेल नहीं छोड़ देगा। मैंने अमचूर पाउडर अभी नहीं डाला है, वो बाद में डालूँगी। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे इसमें। ये देखिए, मसाला लगभग भून चुका है, बस हमें 1-2 मिनट के लिए और इसको थोड़ा सा भूनना है, फिर इसमें ये छोले डालूँगी। ये देखिए, ये मसाला एकदम तैयार हो गया है और अब मैं इसमें छोले डाल रही हूँ। कि मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ, इसलिए तेल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि तेल इसमें दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का सा ही दिख रहा है। मैं छोले डाल रही हूँ। देखिए, मैंने छोले डाल दिया सारा, और अब मैं इसमें अमचूर पाउडर डालूँगी।
इसको डाल के मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हमें 2-3 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी 2-3 मिनट और इसे पकाएंगे, थोड़ा सा ग्रेवी और सूख जाए इसमें से। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप बंद भी कर सकते हैं 2 मिनट के बाद। और अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं है, अभी एक बार और इसमें छौंका लगेगा। ये देखिए छोले बनके अब तैयार हो गए हैं, ग्रेवी भी सूख गया है इसमें से और बहुत सुंदर कलर आया हुआ है। अब मैं इसको गैस से हटा रही हूँ, मैं इसमें छौंका लगा रही हूँ दोबारा से। ये देखिए मैंने जो 2 टेबल स्पून घी लिया था उसको गर्म कर लिया है, और अब मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च डालूँगी। थोड़ा सा अदरक और मिर्ची भुन जाएगा तो मैं इसमें हींग डालूँगी। ये देखिए अदरक और मिर्ची थोड़ा भुन गया है, अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसे हिला लेंगे, हिला के अब मैं इसमें छोले में डालूँगी इसको। ये देखिए मैं इसमें छोले में डाल रही हूँ इसको, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर इस तरह का छोले बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में ये छोले। अब ये छोले तैयार हैं, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे छोले बनके तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे छोले बने हुए हैं और बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है। मैंने अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।